आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि प्लीज आप हमारे सतगुरु को जल्द से जल्द न्याय दिया है और हमारे समाज में आने की उनको अनुमति दे। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है डेरा सच्चा सौदा वे बाबा राम रहीम जी की। नमस्कार मैम, आपका नाम? रीना। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई है? लगभग 15 साल से जुड़ी हुई है। आप इतने लंबे समय 15 सालों से डेरा में आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपका डेरा में आना सही है? बहुत सही है और पूर्ण विश्वास है हमारे सतगुरु पर। हमारे सतगुरु पूर्ण हैं, हमें पूर्ण विश्वास है और हम जुड़े, हमारे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हम गुरु से जुड़े हैं तो बहुत आगे हैं और बहुत आगे हमें सतगुरु रखेंगे। हमारे सतगुरु को जो इल्ज़ाम लगा है, हम मालिक से दुआ करेंगे जल्द से जल्द उनकी कलंक छूटे और हमके बीच में हमारे गुरु आए और हम सबको अच्छा लगेगा। हमको इतना विश्वास है कि हम छोटे छोटे अपने बच्चे लेकर भी आ जाते हैं यहाँ। आपका इतना विश्वास होने का क्या कारण है? इतने अच्छे अच्छे कार्य किए गुरु, ये कोई निंदा करने वाला दिख नहीं रहा है। उसको थोड़ा सोचना चाहिए, उसको भी अमल करना चाहिए कि इतने अच्छे गुरु को इतने अच्छे समाज बना रहे थे और इतना बुराई तरीका से ले गए। ये नहीं चाहिए ऐसे समाज में, ये भी एक सामाजिक है, उनको देखना चाहिए कि अच्छा ये गुरु क्या कर रहे हैं। उनकी अच्छाई एक तरफ तो कोई देख नहीं रहा है, बुराइयों को देख रहा है, ये कतई अच्छी बात नहीं है। हम लोग के लिए बहुत कष्टदायक है। अगर बात की जाए महिलाओं के सम्मान की या महिलाओं की सुरक्षा की, तो किस प्रकार का है डेरा के अंदर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुरक्षा तो महिलाओं को इतना यहाँ मिलता है कि वो कहने सुनने से भी परे है। हम आधी रात या कहीं भी भटक जाए, रह जाए, कोई कष्ट दुख आए, उसमें कोई कमी नहीं दिखती। हमारे अनुयायी भाई जो हैं तुरंत हाजिर हो जाते हैं और सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हमारे। आज मैं देख रही हूँ यहाँ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, किस लिए आए? वही अपने पूर्ण विश्वास है गुरु को, सत्संग सुनेंगे, रामचर्चा सुनेंगे। गुरु नहीं है तो क्या, नजरों से दूर है तो क्या, नजरों में बसे हुए हैं हमारे गुरु और गुरु को पूर्ण विश्वास है, तभी तो इतना सत्संग आई हुई है, जुड़ी हुई है। दुनिया आज देखे, जो निंदक है वो देखे और शर्म करे।